बिहार के नवादा में दबंगों ने दलित बस्ती में लगाई आग। भूमि विवाद को लेकर 20-21 घरों को आग के हवाले किया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। नवादा में दलित बस्ती में लगी आग पर पाया गया काबू। अपने घरों में लगी आग देखकर बिलखते रहे महिलाएं और बच्चे। नवादा की घटना पर बिहार सरकार के मंत्री जनक ने जताया दुख। कहा, दबंगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नवादा की घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। एक्सपोज लिखा, नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष से बात करेंगे तीन मंत्री। सूत्रों के मुताबिक सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को सौंपी गई जिम्मेदारी। पीएम ने कैबिनेट से पास हुए एक देश एक चुनाव प्रस्ताव के फैसले को बताया अहम। एक्सपोज पर लिखा, एक देश एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा। एक देश एक चुनाव पर सियासी घमासान शुरू। अखिलेश यादव ने उठाए सवाल तो सीएम योगी ने बताया मील का पत्थर। जेडीयू ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में ललन सिंह ने 2029 से पहले लागू करने की कही बात। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। हरियाणा कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस से पूछा, घोषणा पत्र के मौके पर कुमारी शैलजा को क्यों नहीं बुलाया गया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बोला बीजेपी पर हमला। रैली में बोले, बीजेपी सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठाया, बदलाव की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कठुआ में करेंगे विशाल रैली। जनसभा को संबोधित करने से पहले माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण का मतदान हुआ। पहले चरण में 61% से ज्यादा वोट डाले गए। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर राजौरी के शादरा शरीफ जाने से रोकने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सनातन धर्म के उत्थान का समय आया, आगे बढ़ने के लिए वेद हमारे साधन हैं। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने कोलकाता केस में सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। कहा, यह केस सीबीआई के लिए सुशांत सिंह राजपूत केस बन गया है। दिल्ली में इमारत गिरने के मामले में बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। कल करोल बाग में बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की हो गई थी मौत। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने रात में किया हंगामा। बिरला हॉस्टल में खाना न मिलने को लेकर किया प्रदर्शन। ऋषिकेश के श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा। स्टूडेंट संघ समारोह की अनुमति नहीं मिलने से छात्र हुए नाराज। हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। फिरोजाबाद में रेलवे ब्रिज के नीचे पानी में फंसी वैन की छत पर चढ़कर लोगों ने बचाई जान। महोबा में नदी के पानी में बहा ट्रक, ड्राइवर ने तैरकर बचाई अपनी जान। उफान पर है क्योलारी नदी। चंदौली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। 60 से ज्यादा गांव में घुस गया पानी, एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर। मुरादाबाद में कोसी नदी के पानी में बही कार, गांव वालों ने कार सवार लोगों को बचाया। बिहार के समस्तीपुर में मालगाड़ी बेपटरी। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, शटरिंग के दौरान हुआ हादसा। मथुरा में मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे के बाद से 15 ट्रेनों को रास्ते में रोका गया। कोयला लेकर दिल्ली जा रही थी मालगाड़ी। गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिलने के मामले में एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, नशे में रेलवे ट्रैक पर रखा था लकड़ी का टुकड़ा। मध्यप्रदेश के जबलपुर में हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 12 लोग घायल हो गए। लोटस 300 प्रोजेक्ट मामले में ईडी ने कई जगह छापेमारी की। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ महेंद्र सिंह के घर से करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद। भदोही विधायक जाहिद बेग का बेटा गिरफ्तार, घर से मिला था नाबालिग लड़की का शव। नोएडा के जेपी हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड की 2 लड़कों ने की पिटाई, लिफ्ट में जाने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के अशोक विहार में 5 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार गाड़ी ने बच्चे को रौंदा, आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में चोरी के शक में महिला को पेट से बांधकर पीटा गया, दिमाग से कमजोर है महिला, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कपिल मान गैंग की लेडी डॉन काजल खत्री गिरफ्तार। सूरज मान हत्या मामले में वांटेड थी काजल, 25,000 का इनाम था। राजानंद गांव में नशीली गोलियां बेचने के आरोप में एक लड़का गिरफ्तार, नशीली टेबलेट की बड़ी खेप जब्त। राजस्थान के दौसा में 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी, बोरवेल में फंसी बच्ची की तस्वीर भी आई सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के मुमरा में एक धार्मिक कार्यक्रम में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद मिलाद कार्यक्रम में कुछ लड़कों ने लहराया फिलिस्तीन का झंडा। रायबरेली में एक सीआर की मौत की खबर, इलाके में है पागल सीआरओ का आतंक, अभी 2 सीआर और बचे। रायबरेली में एक लड़के की जमकर पिटाई की गई, दबंगों की कार से पीड़ित की मोटरसाइकिल टकरा गई थी, आरोपियों की तलाश में पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नालों पर अवैध निर्माण पर एडमिनिस्ट्रेशन ने की बुलडोजर कार्रवाई। पिथौरागढ़ के हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी, नशे में धुत एक शख्स ने की गाली गलौज,
मेडिकल स्टाफ ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। आज से भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होगी टेस्ट मैचों की सीरीज, पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। लेबनन में लगातार दूसरे दिन सीरियल धमाके हुए, हिजबुल्ला से जुड़े 20 लोगों की मौत, 450 लोग घायल। लेबनन में दूसरे दिन भी पेजर, रेडियो, टीवी सेट, आईफोन, वॉकी टॉकी समेत सोलर सिस्टम में भी धमाके हुए। सीरियल ब्लास्ट के पीछे इसराइल का हाथ होने का आरोप, हिजबुल्ला ने दी बदले की धमकी, हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह का संबोधन आज। हिजबुल्ला को इसराइल की चेतावनी, इसराइली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा हमारे पास अभी भी कई क्षमताएं जिन्हें एक्टिवेट होना बाकी। लेबनन में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट पर यूएन ने शुक्रवार को बुलाई अहम बैठक, इस मीटिंग के लिए अरब देशों की तरफ से अल्जीरिया ने अनुरोध किया था। चीन के खुफिया कैमरों से घबराया दक्षिण कोरिया, एक मिलिट्री बेस में लगे 1300 कैमरे हटाने का आदेश, सिग्नल को चीनी सर्वर में भेजने का शक। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में बाढ़ का कहर, शहर का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूबा, उफान पर है डेन्यूब नदी। बिहार के समस्तीपुर में मालगाड़ी बेपटरी, मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतरे, शटरिंग के दौरान हुआ हादसा।